पद्धति के बारे में अगर हम पढ़े तो जीरो एक दो तीन चार और इस प्रकार क्रमवत रूप से आगे जो भी संख्याएं जाती हैं इस प्रकार की पद्धति क्या कहलाती है, दशमलव पद्धति कहलाती है। तो आज हम एक छोटे से क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। हमारा क्वेश्चन यह है, 5, 6, 0, 7 और 9 से बनने वाली बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या कौन है? बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? तो देखें, बड़ी से बड़ी संख्या के बारे में हमसे पूछे यदि, बड़ी से बड़ी संख्या के बारे में यदि पूछे हमसे तो हमें क्या करना है? देखो, सबसे बड़ा अंक कौन है? 9। उसके बाद में कौन है? 7। उसके बाद में 6 और उसके बाद में 5 और उसके बाद में 0। ये बड़ी से बड़ी संख्या होगी। और यदि हमसे पूछे छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या पूछे तो यहां पर हम 0 है वो छोटा अंक है, उसको हम आगे नहीं ले कहेंगे। अभी तो हमसे छोटी से छोटी संख्या पूछे हैं तो हम 5 को आगे रखेंगे। 5, 0, 6, 7 और 9, ठीक है? क्योंकि 0 को आगे इसलिए लेके नहीं आए, 0 हमसे पूछा है कि इन अंकों से छोटी संख्या कौन बन रही है। तो 0 को आगे लाने से हमारी जो संख्या है वो ये बन जाएगी 5,679, यानी कि वो संख्या कोई मायने नहीं रखने वाली, क्योंकि 0 को अभी तो शामिल करना है, 0 को भी तो साथ में रखना है। तो 0 को यदि हम साथ में रखेंगे तो 50,679 बनेगी, और यदि हम 0 को आगे ले आते हैं तो फिर 0 का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो इन बातों पर थोड़ा गौर फरमाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला हमारा क्वेश्चन है, 39,325 में 9 के स्थानीय मान और 5 के जातीय मान का भागफल क्या है? अब आपके सामने स्थानीय मान और जातीय मान क्या है, ये असमंजसता स्थापित होगी आपके दिमाग में। तो देखो क्या है, स्थानीय मान के बारे में अगर हम बात करें, किसी भी संख्या का, किसी भी संख्या का स्थान ही उसका स्थानीय मान है, स्थानीय मान है। देखो कैसे, जैसे मैंने कोई संख्या ली 927, 927 कोई मैंने छोटा हल्का सा क्वेश्चन लिया, 927 में 2 का स्थानीय मान, दो का स्थानीय मान, ठीक है? तो दो देखो, इकाई और दाई, यानी कि दो है दाई के अंक, दाई की जगह पर, तो दाई मतलब दो अंकों में लिखना है 20। अगर मुझे यहां पूछ ले कि 9 का स्थानीय मान तो हो जाएगा 900, अगर कोई पूछ ले 7 का स्थानीय मान तो 7, ठीक है? स्थानीय मान के बारे में आपका भ्रम है वो दूर हो चुका है। अब देखो, अगर आपसे यहां पूछ ले जातीय मान क्या है, जातीय मान, तो जातीय मान के बारे में देखो, किसी भी संख्या का जातीय मान वह खुद ही होता है, ठीक है? जैसे यहां पूछ ले 927 में 2 का जातीय मान कौन, तो 2 का जातीय मान 2 खुद ही है। 7 का जातीय मान पूछे तो 7 खुद ही है, ठीक है? अब देखो, अब देखो 9 का स्थानीय मान पूछा है तो 9 का स्थानीय मान कौन है, 9 के बाद में कितने अंक है? 3, यानी कि इकाई दाई सैकड़ा हजार पे, तो लिख दो 9,000। अब देखो भागफल पूछा 5 का, यानी 5 का जातीय मान कौन है, तो 5 का जातीय मान 5 खुद है, तो अपॉन 5। अब देखो इसका भाग दे दो, आंसर अपने आप आ जाएगा, ठीक है? 9,000 में 5 का भाग देंगे तो आ जाएगा 1,800, ठीक है? और 1,800 ही क्या हो जाएगा, इसका भागफल हो जाएगा, यानी कि 39,325 में 9 के स्थानीय मान और 5 के जातीय मान का भाग है
भागफल है वो क्या हो जाएगा 1800 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन है 39 × 27 × 12 का इकाई अंक क्या है। अब देखो अगर परीक्षा में इस प्रकार का प्रश्न पूछ ले और हम इन सबको गुणा करने के बाद में उसका इकाई अंक ज्ञात करें तो ये काफी समय को जाया करने वाला पद हो जाएगा। तो देखो क्या करना, हमें इकाई अंक पकड़ना है सबका। सबका इकाई अंक पकड़ लिया, यहाँ पे कौन है 9, 9 को हमने 7 से गुणा किया तो क्या आया 63। अब जो 63 है 63 में इकाई अंक कौन है 3 और यहाँ कौन है 2, 3 को हमने 2 से गुणा किया तो क्या आ गया 6 और 6 ये हमारा क्या हो जाएगा इकाई का अंक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन देखो 22 × 25 × 27 का इकाई अंक क्या है। ठीक है, अब देखो इसको यदि हम हल करेंगे तो हमने क्या किया इकाई अंक पकड़ा सबका, 2 को 5 से गुणा किया तो 5 × 2 = 10। अब देखो जब 0 आ जाए तो हमें रुक जाना, हमें कहीं नहीं जाना, 0 ही क्या हो जाएगा उस संख्या का इकाई अंक हो जाएगा, क्योंकि यदि हम इस वापस 0 को 7 से गुणा करेंगे तो भी क्या आने वाला है 0 ही आने वाला है। तो 0 आते हमें रुक जाना, आगे गुणा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो 0 ही हमारा क्या हो जाएगा इकाई अंक हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला हमारा क्वेश्चन है 127 × 156 × 176 × 237 × 927 का इकाई अंक क्या है। तो देखो हमें क्या करना है, सबका इकाई अंक पकड़ना है। 7 को 6 से गुणा किया तो आया 42। ठीक है, इसमें इकाई अंक 2, फिर वापस 6 को 2 से गुणा किया तो आया 12, इसमें इकाई का अंक 2, फिर हमने 7 को 2 से गुणा किया तो आया 14, इसमें इकाई का अंक 4, फिर हमने वापस 7 को 4 से गुणा किया तो आया 28, 28 में इकाई का अंक कौन है 8, तो 8 ही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 127 × 1997 का इकाई अंक क्या है। जब प्रश्न इस प्रकार का आ जाए तो हमें क्या करना होता है, हमें दो बातों का अनुसरण करना पड़ेगा। पहली बात क्या है, घात बटा 4 और दूसरी बात इकाई शेष, इकाई शेष। अब देखो घात बटा 4 क्यों, क्योंकि 4 ही वो प्रथम भाज्य संख्या है जो पहली बार में किसी से क्या हो जाती है विभाजित हो जाती है। ठीक है, अब देखो घात कितनी है 1997 अपॉन 4। ठीक है, अब देखो 4 को हमने 19 कैंसिल कर दिया 3 4 बार, पीछे कितने बच गए उधर 3 हो गए 39, 4 को 39 में 9 चौक 36, 36 बार हो गया तो पीछे कितने बच गए उधर 3 हो गए, यहां पर 37 और 4 36 9 बार तो पीछे क्या बच जाएगा 1। तो घात करने के बाद हमें क्या मिला 1 मिला, शेष क्या मिल गया 1। इकाई में कौन है यहां पर 127 में इकाई में कौन है 7 है। ठीक है, और शेष कौन है 1, तो हमने 7 को 7 की घात लगा दी 1। अब देखो 7 को मैं एक बार गुणा करूं तो क्या आने वाला है 7 आने वाला है, तो 7 ही क्या हो जाएगा इकाई अंक हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 135 × 1616 में इकाई का अंक कौन सा होगा। तो देखो इसे हल करते हैं, घात में है तो 1616/4। ठीक है, इसको यदि हम हल करेंगे तो इकाई में जो शेष है जो क्या आने वाला है वो क्या आएगा 0, यानी इनका जो भागफल जो आया है वो क्या जो सॉरी शेषफल जो आया है वो क्या आया है 0 आया। अब देखो यदि शेषफल 0 आ जाए तो हमें एक बात का ध्यान रखना है, यदि शेषफल 0 आ जाए तो हम अगला जो करने वाले हैं इकाई शेष यहां पर जो है हम घात क्या लगाने वाले हैं 4 लगाने वाले हैं। ठीक है, यहां पर हम घात क्या लगाएंगे 4 लगाएंगे। ठीक है, तो ये जो 5 इकाई का अंक है यहां पर हम क्या लगा दिया घात 4 लगा दिया, हमने क्या कर दिया यहां पर घात 4 लगा दिया है। ठीक है ना,
ठीक है, घात पांच, पांच की घात चार लगा दिया। अब देखो पांच गुणा पांच गुणा पांच गुणा पांच, यानी पांच को चार बार गुणा कर देना। पांच की घात चार का मतलब है पांच को चार बार गुणा करना। पांच को पांच से गुणा किया तो आया पच्चीस, पच्चीस को पांच से गुणा किया तो 125, और 125 को पांच से गुणा करने पर आया 725। यहां पर इकाई का अंक कौन है? पांच है, तो यहां पर जो इकाई का अंक है वो क्या हो जाएगा? पांच हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, 27 की घात है 97 और 24 की घात है 126 और 23 की घात है 197। ठीक है, अब क्या करना है इसमें? इकाई का अंक पता करना है हमें। 97 अपॉन 4, 126 अपॉन 4, 197 अपॉन 4। 4 क्यों लगा रहे हैं, घात क्यों लगा रहे हैं, बात पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्योंकि 4 भी वो प्रथम भाज्य संख्या है जो पहली बार में किसी से क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। ये कैंसिल हो जाएगा एक बार, कैंसिल कैसे हो रहा है देख लो। 97 में क्या करना है, 4 का भाग लगा देना है, 4 दूनी 8, नीचे बच गया 1, 4 ये यहाँ 17 हो गया और 4 चौ 16, नीचे क्या बच गया 1, तो यानी कैंसिल होने पर क्या बच गया 1। ये हो जाएगा इसमें कैंसिल होने पर 2 शेष बचेगा और इसमें बच जाएगा 1। ठीक है, अब देखो अब हमें अगली जो कंडीशन है वो क्या करनी पड़ती है, इकाई शेष करना पड़ता है। तो यहाँ पर इकाई कौन है? 7, 7 की घात 1 कर दो। अगला इकाई कौन है? 4, शेष में क्या आया 2, तो 4 की घात 2 कर दो। फिर यहाँ पर इकाई में कौन है? 3, और उसकी घात क्या है? 1 कर दो। यहाँ पर 7 को 1 से गुणा करने पर 7, 4 को 4 की घात 2 है यानी कि 4 इंटू 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16, तो गुणा 16। फिर 3 की घात 1 है तो 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब देखो यहाँ इकाई का अंक कौन है? 6, तो 7 को 6 से गुणा करने पर क्या आया? 42। ठीक है, अब यहाँ पर इकाई का अंक कौन है? 3, और उधर कौन है? 2, 3 को 2 से गुणा करने पर क्या आ जाएगा? 6, तो 6 ही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, इकाई अंक कौन आएगा? 6 आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 127 की घात 98 में से 122 की घात 97 घटाने पर इकाई का अंक क्या रहने वाला है? ठीक है, तो देखो यहां पर घात कौन है? 98 अपॉन 4 हो जाएगा। 4 क्यों हो रहा है इसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। यहां पर कौन है? 97, तो 97 को क्या कर देंगे? घात 4 में ले लेंगे। ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, नीचे बच जाएगा 1, ठीक है 18, 4 दूनी 4 चौक 16 और 1 यहाँ पे पीछे हो जाएगा 2 शेष, तो इकाई का अंक यहाँ पर शेष क्या रह जाएगा, सॉरी जो शेष पर आने वाला हो जाएगा 2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1। ठीक है, अब यहाँ देखो इकाई का अंक कौन है? 7, तो 7 की घात कर दो 2, और इकाई में शेष हम क्यों कर रहे हैं, ये अपन दूसरी शर्त का अनुसरण कर चुके हैं। ठीक है, अब देखो इकाई अंक यहाँ पर कौन है? 2, 2 में यहाँ पर जो शेष पल बचा वो कितना है? 1, हमने लगा दी घात 1। 7 को 2, 7 के ऊपर घात कितनी है? 2, यानी कि 7 इंटू 7 है 49, और ये 2 की 2 के ऊपर 1 घात है, 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 2। हमें क्या पूछा है कि 127 की घात 98 में से 122 की घात 97 घटाने पर इकाई अंक क्या बचने वाला है? ठीक है, तो 49 में से 2 घटा देंगे, क्योंकि घटाना ही हमसे पूछा गया है, तो 49 में से 2 जाएंगे तो पीछे क्या बचेगा? 47 बच जाएगा। अब 47 में इकाई का अंक कौन है? 7 है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 7, यानी यहां इकाई का अंक कौन है? 7 है। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन है 127 गुणा 26 माइनस 25 गुणा 127। अब इस प्रकार की इतनी बड़ी संख्या को प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में हल करें हम पूरा, 127 को 26 से गुणा करें, फिर 125 को 25 को 127 से गुणा करें, फिर उनको माइनस में करें, तो हमारा बहुत सारा वक्त क्या हो जाएगा? जाया हो जाएगा। तो इसको अपन बेटर ट्रिक से करने वाले, यानी जो 127 यहाँ पर और 127 यहाँ पर है उनको हमने क्या कर दिया? कॉमन करके बाहर निकाल दिया, उभयनिष्ठ करके क्या कर दिया? बाहर ले लिया इसको। ठीक है, और फिर कौन बचा? 26 माइनस 25। ठीक है, अब 127 यहाँ जो ये कोष्टक है इसका मतलब क्या है? गुणा है, 26 में से 1 25 गया पीछे क्या बचेगा? 1, यानी 127 गुणा 1 क्या हो जाएगा? 127, तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला देखो 1999 यहाँ पर भी है और 1999 यहाँ पर भी है, हमने क्या कर दिया? 1999 को कॉमन ले लिया, उभयनिष्ठ ले लिया। अब 36 में से 35 घटाने पर क्या बच जाता है?
36 में से 35 घटाएंगे तो क्या बच जाएगा, एक बच जाएगा, ठीक है। और यहां जो ये कोष्टक है इसका मतलब क्या होता है, गुणा होता है, क्या होता है, गुणा होता है। तो हमने इसको क्या कर दिया, एक से गुणा कर दिया। 1999 को अगर आप एक से गुणा करेंगे तो क्या आने वाला है, 1999 आने वाला। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला क्वेश्चन है 237 गुणा 64 प्लस 36 गुणा 237। यहां पर 237 और यहां पर भी 237 है, दोनों क्या है, कॉमन है, उभयनिष्ठ है। तो हमने क्या कर दिया, दोनों इनको क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो 237 अब क्या हो जाएगा, कोष्टक 64 प्लस 36। देखो 64 प्लस 36 कितना हो जाता है, 100 हो जाता है, क्या हो जाता है, 100 यानी 100। अब 237 और इस कोष्टक का मतलब आप जानते क्या होता है, गुणा होता है। अब देखो हम 237 को अगर 100 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 23,700 आ जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अगला यहाँ पर क्या है, 27 गुणा 99। अब देखो 27 गुणा 99 का मतलब मैं ये कर सकता हूँ, 2700 माइनस 27। अब देखो मैंने यहाँ 00 ऐसा क्यों किया है, देखो 99 वाले जितने भी हैं, 9-9 वाले अंक जो भी आने वाले उस पर हम यही ट्रिक फॉलो करने वाले। अब ऐसा करते हैं क्यों है, क्योंकि 9 है वो गणित का सबसे बड़ा अंक है, 9 गणित का सबसे बड़ा अंक है। ऐसे प्रश्न यदि आपको कहीं देखने मिले तो आप इस ट्रिक से हल कर सकते हैं। अब देखो 0 यहां भी 0 यहां भी 0, 0 में से 7 जाएगा नहीं तो अपन क्या करते हैं, पहले छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं, यहां 10 बन जाएगा, ठीक है। इधर 9 में से 2 के पीछे बच जाएगा 7 और ये 26-73 आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो यहां यदि हम हल करें 36-78 यहां पर 9 फोर टाइम है तो हमने क्या कर दिया, 4 टाइम 0 लगा दिया। अब क्या कर देंगे, 36-78 माइनस कर देंगे, ठीक है। अब देखो 10 में से 8 गए पीछे 2, 10 में से यहाँ 9 रह जाएगा, 9 में से 7 के पीछे 2, यहाँ 9 में से 6 गया पीछे 3, यहाँ 9 हो जाएगा, 9 में से 3 गया पीछे कितने हो जाएंगे, 6। और यहाँ क्या हो जाएगा, 7 रह जाएंगे क्योंकि हमने यहाँ क्या लिया था, उधार ले लिया था, तो ये 7, ठीक है, और 7-6 ये अंक आ जाएंगे आपके लिए, ठीक है। तो आज के लिए हमारा इतना ही रहेगा, अब हमारी जो अगली क्लास है हम उसमें भाजकता के नियम का अध्ययन करेंगे। और मैं पहली बार कैमरे के सामने हूँ तो थोड़ी सी घबराहट होना लाजमी है, लेकिन इस पर हम आपका प्यार दुलार और आशीर्वाद मिलता रहेगा तो हम जल्दी फतह हासिल कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करना, शेयर करना और उन विद्यार्थियों तक पहुंचाना, विशेष तौर से जिनका गणित से कोई नाता रहा नहीं है, गणित नामक शब्द से जिनको भय है, ठीक है, गणित के विषय से जिनको डर लग रहा है, उन कमजोर विद्यार्थियों के लिए क्लास एकदम कारगर साबित होने वाली है। और बाद में कमेंट्स के माध्यम से मैं ये पढ़ूंगा कि विद्यार्थियों के क्या टिप्पणियां रही है, वे क्या चाहते हैं, तो अपन बहुत सरल करके इनको पढ़ने वाले हैं, बहुत सरल से सरल, यानी कमजोर विद्यार्थी जो गणित की वजह से कोई प्रतिस्पर्धी परीक्षा में नहीं बैठ रहा है या फिर आगे की पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो उनमें थोड़ा सी हिम्मत आएगी, थोड़ा साहस आएगा, और इन क्लासों को पढ़ने के बाद में, इन विषयों जो हम प्रश्न करने वाले बेहतर ट्रिक्स उनको हल करने के बाद में, उसमें एक नया ऊर्जा का संचार होगा और वो भी प्रतिस्पर्धी परीक्षा में बैठने की हिम्मत जुटा पाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, और अगली क्लास के लिए हमारे साथ वापस जुड़ जाइएगा, ठीक है।